जैन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी फिटनेस बाय मसल गैरेज। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो क्या करना तो सबसे पहली थिंग जो है वो हमारे लिए ये है कि एक वाटर बॉटल और टॉवल, ये दो चीज़ें आपको ज़रूर जिम लेके जानी है, ठीक है। और जब हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो जिम में जाने के बाद जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन जिम के अंदर जाके, बॉडी बिल्डर के लिए, फिटनेस ब्रेक के लिए डिसिप्लिन। और जो न्यू कमर है, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू जो आए हैं जिमों में आजकल, उनके लिए सबसे पहली सीखने वाली चीज़ जो है मशीन यूज करने से पहले, वेट उठाने से पहले वेट को रखना सीखना है, रिरैक करना सीखना है, सबसे पहले रिरैक। और जो बिल्कुल न्यू जो क्लाइंट होते हैं, न्यू एकदम न्यू जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये होने वाला है कि आप अगर जिम ज्वाइन करते हो तो उस जिम का पीक टाइम पता कीजिए जहाँ पे आप जा रहे हो। उसे पीक टाइम पता करने के बाद जो पीक टाइम वो बताते हैं जिम ओनर या जिम ट्रेनर, उस टाइम पे आपको नहीं जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है पीक टाइम पे, तो आप पे फोकस नहीं करा जाएगा। ये जो चीज़ है न्यू कमर के लिए, जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए, वो है कि कभी खाली पेट जिम ना जाएं, जिम कुछ ना कुछ खाकर जाएं। आपका जो प्री वर्कआउट मील है, जो भी आपको प्री वर्कआउट में खाना है, जो प्री वर्कआउट मील है, उस मील को कम से कम 1 से 2 घंटे पहले, बिफोर हिटिंग जिम, जिम हिट करने से कम 1 या 2 घंटे पहले वो मील खाना है, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी को फील मिल जाए और आप जाके मेहनत कर। तो जो अगला पॉइंट हमारी इस वीडियो में होने वाला है वो ये है कि आप जब भी जिम में एंट्री लेते हो, तो चाहे वो इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, बिगनर हो या प्रो लेवल का हो, कोई भी हो, ये पॉइंट सबके लिए है। सबसे पहले आकर जिम में वार्म अप करें, ये नहीं है कि सबसे पहले आके बस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, सबसे ज़्यादा इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, 10-15 मिनट का वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आके सबसे पहले वार्म अप करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट आपको टाइमिंग के हिसाब से या कहीं और माइंड हो आपका, बिल्कुल बेकार है वर्कआउट करना। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो एक एक रैप को फील करना है, हमेशा नेगेटिव स्लो लेने हैं, तभी जाके आपकी मसल बहुत जल्दी बिल्ड होगी और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वर्कआउट के बाद अच्छे से कूल डाउन करें, कूल डाउन के बाद आप घर जाएं और मिल। अगला जो हमारा पॉइंट है सबके लिए है, ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग अगर चाहे आप बिगनर हो या एडवांस लेवल हो या प्रो लेवल बॉडी बिल्डर हो, ईगो लिफ्टिंग सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। सबको इंजरीज होती हैं ईगो लिफ्टिंग से, बहुत बंदों की इंजरीज ज़्यादा हो जाते हैं। एक और चीज़, अगर आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले ये डंबल, ये नहीं है कि बस बाइसेप मार लो, बाइसेप ये मारो ये मारो, बाइसेप को फील करके मारो, हमेशा नेगेटिव स्लो।